टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कौन कौन से शहरों में लगा रात का लॉकडाउन और ज्वेलर्स की दुकान से जेवर पहनकर कैसे भागी लड़की, कहां बाइक चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, महिला दरोगा ने किस पर लगाया शोषण का आरोप, कैसे गोदाम जलकर हुआ राख, ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं एक वायरल वीडियो। अब आपको सोशल मीडिया में वायरल हो रही एक वीडियो दिखाते हैं जहां ज्वेलर्स की एक दुकान में एक लड़की ट्रायल करने के लिए सोने के गहने पहनकर देखती है और देखते ही ये लड़की फरार हो जाती है। इस लड़की के साथ एक युवक भी है जो पहले से ही शॉप के बाहर निकल जाता है और बाइक चालू कर खड़ा रहता है। इसी दौरान लड़की सोने के गहने पहनकर और शॉप से बाहर भागकर बाइक पर बैठ जाती है और दुकानदार उसके पीछे दौड़ता है, मगर ये लड़की सोने के जेवर पहनकर फरार हो जाती है। ज्वेलर्स के दुकानदारों को इस तरह की चोरियों से काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए ये वीडियो। भिवंडी शहर के ग्रामीण इलाका खूनी में एक गोदाम में भयानक आग लग गई। काफ़ी भयानक ये आग थी और दमकल विभाग की दो गाड़ियां सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए पहुंच गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। आसपास के गोदाम में रखे सामानों को भी लोग बाहर निकालते हुए साफ देखे जा सकते हैं। आखिरकार काफ़ी देर बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वर्सोवा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 होंडा डियो और 3 होंडा एक्टिवा, 1 ऑटो रिक्शा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी जुबैर अब्दुल्ला रहमान, अयाज हारून, आकाश नवनाथ, ये तीनों नकली चाबी के जरिए वाहनों की चोरी किया करते थे, मगर अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। जहाँ यूपी के CM महिला सशक्तिकरण का हुंकार भर रहे हैं, वहीं शामली की एक महिला दरोगा का दर्द सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। कैराना कोतवाली में तैनात एंटी रोमियो प्रभारी दरोगा द्वारा कोतवाल पर शोषण करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रभारी अंजू इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। मामले में SP ने दोनों को कैराना कोतवाली से हटा दिया है। कैराना कोतवाल को पुलिस कार्यालय और महिला दरोगा को महिला थाने संबंध किया गया है। मेरा नाम अंजू है, उप निरीक्षक अंजू, थाना कैराना में जनपद सामने मेरी पोस्टिंग है। मैं यहाँ पे 25 जुलाई मेरी पोस्टिंग हुई कांदला थाना से, और यहाँ पर प्रेमवीर राणा जो SHO कैराना है, वे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, या फिर मैं अगर कोई बात नहीं मानती उनकी तो फिर मेरी रपट लिख देते हैं। और मैं एंटी रोमियो प्रभारी बनी हुई हूँ, उसमें शक्ति नारी सशक्तिकरण में मैं 7 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी करती हूँ, और कभी कभी हमारे साथ में भी जाते हैं किसी उसमें, और 10-10 बज जाते हैं, यानी कि मैं पूरे 16-17 घंटे ड्यूटी करती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे निकम्मा कहते हैं सभी के सामने कि ये निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती, और मैं अगर एब्सेंट हो जाती हूँ किसी वजह से, कोई मुझे परेशानी हो गई या मैं कमरे पे आ गई दवाई लेने, तो मुझे टॉर्चर करते हैं और रपट लिख देते हैं। तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं की? मैंने उच्च अधिकारियों से इनकी शिकायत की थी SHO की। यहाँ पे मैं कप्तान साहब के पास गई, वहाँ पे वे थे नहीं त्योहारों की वजह से, आज भी गई वहाँ पे तो फिर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद मैं DIG साहब के यहाँ पर सहारनपुर आई, DIG साहब ने भी सुना, कहा ठीक है संज्ञान में लेंगे इस बात को। तो आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण चल रहा है, अगर मैं खुद एंटी रोमियो प्रभारी हूँ, जब मेरा शोषण हो रहा है, तो महिलाओं को मैं कैसे वो दिला सकती हूँ। वही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और इसके अलावा
राजकोट, सूरत, बड़ोदरा में रात का कर्फ्यू लगा दिया है और कर्फ्यू लगने की वजह से लोग आज दिन में खरीदारी करने के लिए भारी तादाद में घरों से निकले। 21 नवंबर से ये लॉकडाउन रात का लगा दिया गया है। डिप्टी सीएम नितिन पाटिल ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये कर्फ्यू रहेगा, जबकि शुक्रवार की रात 9 बजे से ही अहमदाबाद में 60 घंटों का कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया है और राजकोट, सूरत, बड़ोदरा में रात के कर्फ्यू होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करने के लिए आज घरों से बाहर निकले हैं। 21 नवंबर यानी कि आज से गुजरात के राजकोट, सूरत, बड़ोदरा में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।